नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेस्टी में। दोस्तों आज है 23 जनवरी। दोस्तों 23 जनवरी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आ गया हूँ, तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है पणजी से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NIC टेक सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो NIC टेक सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है वो नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ। हाल ही में सुखोई विमान के पहले स्क्वाड्रन को किस सेना में शामिल किया गया? दोस्तों वायुसेना में शामिल किया गया, एयरफोर्स में शामिल किया गया इसको, सुखोई जो स्क्वाड्रन है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारत नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ किया गया है? तो वो विराटनगर में किया गया है। हाल ही में 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पुडुचेरी या पांडुचेरी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच में 85वीं बैठक की शुरुआत कहाँ की गई? तो स्विट्जरलैंड में की गई। विश्व आर्थिक मंच की 85वीं बैठक दोस्तों कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड में हुई दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि निम्न में कौन से होंगे? चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इनमें से जो ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं वो दोस्तों इस बार जो है हमारा जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है उसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पे भारत को आएंगे। 8वां क्वेश्चन दोस्तों आज का है, हाल ही में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान या कौन सी रैंक रही? तो वो 76वीं रैंक रही दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, भारतीय जनता पार्टी BJP के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन से चुने गए? दोस्तों अमित शाह, राधामोहन सिंह और राजनाथ ये नहीं चुने गए हैं, इस बार जो है JP नड्डा जी को भाजपा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों का निर्माण मंजूरी दे दी? दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 राजधानियां मंजूर की गई दोस्तों हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख निम्न में से किसको नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी जी को। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 11 क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको पल पल की खबरें मिलती रहें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।